Question number 16. If P and Q are the lengths of perpendicular from the origin to the line x cos theta minus y sin theta equal to k cos 2 theta, and x sec theta plus y cos sec theta is equal to k respectively, prove that P square plus 4Q square is equal to k square. बच्चों क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ओरिजिन से इन दोनों लाइन की डिस्टेंस P और Q है ना, तो आपको शो करना है कि P स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर इज इक्वल टू K स्क्वायर। तो बच्चों हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे, किसी भी पॉइंट से एक लाइन का डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है बच्चों, क्या मोड ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना बेटे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन पास फ्रॉम ऑरिजिन मतलब 0,0 पी है बच्चों, तो पी हो जाएगा पी इज इक्वल टू क्या मोड, यहां पर जो एक्स वन जीरो तो जीरो माइनस जीरो और से इस तरफ ले आई तो माइनस के कॉस टू थीटा अपॉन स्क्वायर रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। समझ पा रहे हो क्या हुआ? यहां देखो एक्स रिप्लेस किया जीरो से, यहां वाई रिप्लेस किया जीरो से, एक्स कोएफिशिएंट क्या है यहां कॉस थीटा और वाई कोएफिशिएंट साइन थीटा, तो ये तो ए और बी है इसलिए साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आया है ना, तो ये तो बच्चे वन हो जाएगा, क्या बचा यहां सिर्फ ये बचा के कॉस टू थीटा, पी की लाइन निकाल ली बच्चों, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से दूसरी लाइन के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन सेकंड फ्रॉम 0,0 इस लाइन के लिए तो डिस्टेंस निकालेंगे ओरिजिन से जो क्यू है, ये हो जाएगा 0 प्लस 0 माइनस के अपॉन स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस सेक स्क्वायर थीटा। समझ पा रहे Q is equal to K upon square root. इसे आप cos लिख पाएंगे 1 upon cos square theta, इसे sin लिख पाएंगे आप 1 upon sin square theta। जब जो ऐसे भी इसे सॉल्व करें तो कैसा हो जाएगा K upon square root sin square theta plus cos square theta अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों ये तो स्क्वायर से बाहर आ जाएगा और न्यूमरेटर के साथ आ जाएगा, बाकी ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये वन हो जाएगा, तो इसे आप लिख पाएंगे एम्प्लाइज क्यू इज इक्वल टू के साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन वन। अब बच्चों देखो यहां पी की वैल्यू में देख पा रहे हैं साइन कॉस का जो एंगल है बच्चों वो टू थीटा है, हम यहां भी चाह रहे हैं कि जो एंगल है वो टू थीटा के फॉर्म में ही आए, तो आप इसे ऐसे लिख पाओगे टू क्यू टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ जाएगा के टू साइन थीटा कॉस थीटा या के साइन टू थीटा, यहां पर टू थीटा का फॉर्मूला बन रहा है ना। जो रिजल्ट चाहिए बच्चों उसमें पी स्क्वायर और क्यू टू क्यू का स्क्वायर मतलब फोर क्यू स्क्वायर आ रहा है, तो ऐसा करते हैं ये पी की जो वैल्यू आ रही ये स्क्वायर करेंगे और टू क्यू की जो वैल्यू आ रही स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे, कुछ ऐसा हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस टू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू के कॉस टू थीटा होल पावर टू के साइन टू थीटा होल पावर टू। समझ पा रहे क्या किया हमने? भाई पी की वैल्यू यहां से लेके उसका स्क्वायर किया और टू क्यू की वैल्यू का स्क्वायर किया ऐड कर दिया, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा पी स्क्वायर फोर क्यू स्क्वायर। अब जो इन दोनों में से के स्क्वायर कॉमन कर लीजिए क्या बचा कॉस स्क्वायर टू थीटा प्लस साइन स्क्वायर टू थीटा, लेकिन बच्चों ये तो वन हो जाएगा है ना। एम्प्लाइज
p square plus 4q square is equal to k square. Hence root.